News 18, India. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ड्रोन उड़ाने पर एतराज जताया गया है। हरियाणा के ड्रोन पर पटियाला प्रशासन को एतराज है। डीसी पटियाला ने अंबाला के डीसी को इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी है। हरियाणा पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, पंजाब की सीमा में ड्रोन उड़ाने पर एतराज जताया गया है, जिसे लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है और यहां एतराज जाहिर किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल यहां किया जा रहा था। और वहीं हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी कराया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए। इस पर जो है पूरी शंभू बॉर्डर से लेके अंबाला, करनाल, पानीपत और कुंडली बॉर्डर, तो वहाँ पर सब जगह जो है हरियाणा की ओर से जो है सील कर दिया गया है और वहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी तैनात किए गए हैं। और अगर हम किसानों की बात करें तो किसान जो हैं लगातार जो हैं वो शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है किसानों का जो अगर हम ट्रैक्टरों की भीड़ की बात करें तो हज़ारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुँचे हुए हैं। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त मानव भी शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। मानव, लगभग 200 किलोमीटर का फासला, यानी दिल्ली से इतनी दूरी है, कितनी तैयारी के साथ इस वक्त किसान इस बार आए हैं? क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी 6-6 महीने का राशन लेकर वो चलते हैं। दर्शक पिछले आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समझ पाएंगे कि किस कितनी तेजी के साथ यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। युगल, थोड़ा कैमरा ऊपर उठा के जरा दिखाइए, ये संख्या कितनी तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। बकायदा पीछे से मैं अनाउंसमेंट सुन रहा हूँ, पंजाबी में कहा जा रहा है कि अपने गमछे गीले कर लीजिए, अपने तौलिया गीले कर लीजिए, अपने जो बोरा है, बोरी साथ में लेके आप चल रहे हैं जूट का, उसको आप गीला कर लीजिए और अब आपको बैरिकेड की तरफ बढ़ना है। ये बकायदा संबोधन दिया जा रहा है और मैं सुन पा रहा हूँ बकायदा पंजाबी में कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज बैरिकेड हटाना है। लेकिन हम हरियाणा पुलिस की वो तैयारी भी देख चुके हैं जिसमें ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अब देखिए, अभी जब पिछली बार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था पंकज, तो यहाँ पर ट्रैक्टर की संख्या कम थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई है।